बजे यह लाइव चर्चा का कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है। आप सभी का स्वागत इस कार्यक्रम में। आप सभी इससे जुड़कर इसका लाभ उठाएं और लाइव चर्चा में भाग लें, चर्चा करें अपने टिप्पणियों के माध्यम से। अंत में जरूर आपके विषय पर चर्चा होगी। और आज का जो विषय है, कोशिश करें कि जो विषय रहता है उसी से संबंधित चर्चा भी करें। आज का विषय है मृत्यु पर विजय की विधि, अर्थात मृत्यु पर विजय प्राप्त करने का मार्ग कौन सा है, उसका तरीका कौन सा है, विधि क्या है, आज उस पर चर्चा होगी। और मृत्यु पर विजय प्राप्त करने का अर्थ क्या है जी? मृत्यु पर विजय प्राप्त करने का अर्थ है अमरत्व की प्राप्ति, अमरता की प्राप्ति, अमर हो जाना। तो किस प्रकार से इस बात को कहा जा रहा है? कौन अमर हो सकता है भाई? कौन अमरत्व को प्राप्त हो सकता है? तो अमरत्व को प्राप्त होना, मृत्यु पर विजय मतलब जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति। अब जन्म मरण का चक्कर नहीं रहेगा। तो ये जन्म मरण से चक्कर की मुक्ति का क्या तात्पर्य है, अमरत्व का क्या अर्थ है, और मृत्यु पर विजय प्राप्त करने की यह कौन सी विधि बताई जा रही है? तो श्वेतास्त्र उपनिषद में इसकी चर्चा है। तो इसको हम आज श्लोकों के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो कल हमने श्वेतास्त्र उपनिषद के प्रथम, क्षमा करें, तीसरे अध्याय के 5 श्लोक हमने देखे थे, जिसमें कि ब्रह्म को अघोर कहा गया है, ब्रह्म को रुद्र कहा गया है। इस पर हमने चर्चा कर लिए कल, अघोर और रुद्र ये बताया गया है। तो अब किस प्रकार से मृत्यु विजय की कहानी सुनाई जा रही है उस पर हम आज चर्चा करेंगे। तो ये सारी चीजें जुड़ी हुई हैं आपस में। जैसे कि रुद्र के द्वारा सृष्टि और प्रलय होता है, इसलिए रुद्र कहा गया। वह ब्रह्म अघोर है, अर्थात संतुलित है, सौम्य है, उसमें कुछ भी घोर नहीं है, उसमें कुछ भी अति नहीं है, इसीलिए वो अघोर है, उसे अघोर कहा गया। अब उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए जो बातें कही जा रही हैं उस पर हम चिंतन करते हैं। तो कहा जा रहा है, फिर से रुद्र की चर्चा हो रही है और 6 श्लोक से हम देखेंगे। कहा जा रहा है, याम इषुम गिरिशंत हस्ते बिभर्षस्तवे शिवाम गृत्र ताम कुरु मा हिंसि पुरुषम जगत। हे गिरिशंत, अर्थात हे पर्वत के देवता, जिस बाण को फेंकने के लिए हाथों में तुमने धारण किया है, हे गिरिराज, हिमालय की रक्षा करने वाले देव, उस बाण को कल्याणमय बना लो, जीव समुदाय जगत को नष्ट ना करो। इस प्रकार से प्रार्थना की जा रही है रुद्र देव से, पर्वत देव से, हिमालय देव से। ततः परम ब्रह्म परम बृहंतम यथा निकायम सर्वभूतेषु गूढ़म विश्वसैकम परिवेष्टितार मीशम तम ज्ञात्वा मृता भवन्ति। जीव समुदाय जगत के परे परब्रह्म, जो कि ब्रह्म पर जिसे कहा गया, ब्रह्म पर मतलब कि जो ब्रह्मा का लोक है, जो हिरण्य गर्भ लोक है, वो संपूर्ण जीव समुदाय उसी हिरण्य गर्भ का वासी है। सर्वभूतेषु, समस्त प्राणियों में, यथा निकायम, उनके शरीर के, उनके काया के अनुसार, जो उनकी काया है उसके अनुसार शरीर है, छिपे हुए संपूर्ण विश्व को सब ओर से घेरे हुए उस महान सर्वत्र व्यापक एकमात्र देव जो ब्रह्म है, उसको जानकर अमर हो जाते हैं। अर्थात अमर होने के लिए क्या करना पड़ता है? उस ब्रह्म को जानना पड़ता है। तुम उनको मारो मत, उस जीव समुदाय को। वह जीव समुदाय इस जगत के परम, जो हिरण्य गर्भ रूप है, ब्रह्मा से भी जो परे लोक है, जो परम धाम है, उसको प्राप्त होते हैं। कैसे प्राप्त होते हैं? अपने ध्यान योग से। उसी की व्याख्या करते हुए बताया जा रहा, और उसको प्राप्त होने से वो अमरत्व को प्राप्त होते हैं। किसको प्राप्त हो जाएंगे? अमरता को प्राप्त हो जाएंगे, उन्हें अमरता मिल जाएगी, वो अमर हो जाएंगे। तो अमर होने की बात यहां पर कही जा रही है। और फिर आगे
क्या कहते हैं आठवें श्लोक में, वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णंतम सपरस्तात तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्य पंथा विदते यनाय। अर्थात वेदाहमेतम पुरुषम महांतम, वेदों में वर्णित जो महापुरुष हैं। अब यहां पर थोड़ा सा आपके मन में एक प्रश्न आ सकता है कि ये भाई वेदाहमेतम पुरुषम महांतम, मैं थोड़ा सा पुरुषम षटकोण वाला श लिखा होता है पुरुष शब्द में, लेकिन वैदिक संस्कृत के अंदर उसको ख भी पढ़ते हैं। वैदिक संस्कृत में वो जो षटकोण वाला जो श होता है मूर्धन्य श, हाँ तलाब्य श, मूर्धन्य श, दंती श, ऐसे स जो आते हैं, तो वो जो षटकोण वाला जो श है उसको संस्कृत, वैदिक संस्कृत में, वेदों के संस्कृत में उसे कहीं कहीं ख भी पढ़ा जाता है। इसलिए मैं यहां पर पुरुखम महांतम उच्चारण कर रहा हूं, ठीक है। तो वेदाहमेतम पुरुखम महांतम आदित्य वर्णंतम स परस्तात्तमे विदित्वाति मृत्युमेति नान्य पंथा विदते यनाय। अर्थात क्या है कि वेदाहमेतम पुरुखम, वेदों में वर्णित वह जो महापुरुष है, वेदाहमेतम पुरुषम महांतम, वह जो महापुरुष आदित्य वर्णन, वह आदित्य के वर्ण के समान स्वयं प्रकाश रूप है, स्वयंभू है, स्वयंभू है, स्वयं प्रकाश रूप है आदित्य वर्णन। उसका वर्ण कैसा है? आदित्य के समान। उसका वर्ण कैसा है? सूर्य के समान। आदित्य वर्णन तमसः परस्तात् तमेव विदित्वाति, विदित मतलब जानना, उस परम पुरुष को जान लेने के बाद। अब यहां पर पुरुष शब्द का प्रयोग है तो अब सांख्य शास्त्र के साथ इसका संबंध स्थापित हो रहा है, क्योंकि पुरुष शब्द का प्रयोग सांख्य शास्त्र में ही अधिक होता है। उस आत्मा के लिए या परमात्मा को पुरुष कहकर पुकारा जाता है, ठीक है। तो वेदाहमेतम पुरुषम महांतम, वेदों का जो महान पुरुष है वो, उसकी बात कही जा रही है, वो आदित्य के वर्ण के समान है। तमसा परस्ता, तमस से बहुत परे, तमस कहां पर है? इस जागृत अवस्था में तमस है, इंद्रियों का जो जगत है वो तमस है, वहां पर वो तमस से परे है, त्रिगुणी माया से परे है, ठीक। तमेव विदित्वाति, उसको जो जान लेता है उसके लिए कहा जा रहा है, जो उसको जान लेता है। तमेव विदित्वाति अमृत्युमेति, उसे मृत्यु स्पर्श नहीं कर सकती, वह मृत्युंजय हो जाता है, वह मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेता है, उसे मृत्यु स्पर्श नहीं कर सकती। तमे विदित्वाति अमृत्युमेति नान्य पंथा विदते यनाय। और इसके अलावा, उस परम पुरुष को जानने के अलावा, उस ब्रह्म को जानने के अलावा, उस आत्मा को जानने के अलावा दूसरा कोई मार्ग नहीं है, नान्य पंथा। यहां पर दो दावे की जा रहे हैं कि अगर वेदों में वर्णित उस महापुरुष को तुमने जान लिया तो तुम मृत्यु पर विजय प्राप्त कर जाओगे, तुम्हें मृत्यु कभी छू नहीं पाएगी, मृत्यु तुम्हारा कभी स्पर्श नहीं कर पाएगी। यह बात स्पष्ट रूप से कह दिया गया। फिर कह दिया गया कि उसको जानने के अलावा दूसरा कोई, अन्य मृत्यु पर विजय प्राप्त करने का दूसरा कोई मार्ग नहीं, मृत्यु पर विजय प्राप्त करने का दूसरा कोई रास्ता नहीं है, दूसरा कोई मार्ग नहीं है। नान्य पंथा विदते यनाय, इसके अलावा दूसरा कोई मार्ग, दूसरा कोई रास्ता नहीं होता। नान्य पंथा, कोई पथ नहीं है दूसरा, ठीक है। तो ये हमें यहां बताने का कि वह मार्ग कौन सा है जिससे मृत्यु पर विजय प्राप्त होगा। तो वेदों में वर्णित वह आदित्य वर्ण वाला जो महापुरुष है, जो पुरुष तत्व है, जो ब्रह्म तत्व है, जो परम धाम वासी है, वहां उसको जब हम जान लेते हैं, उसको उसकी जब हम प्राप्ति कर लेते हैं तो हम मृत्यु पर विजय प्राप्त कर जाते हैं। और साथ में एक और दावा, दूसरा दावा क्या है कि इसके अलावा मृत्यु पर विजय प्राप्त करने का दूसरा कोई रास्ता नहीं होता, दूसरा कोई मार्ग नहीं होता, यह भी साथ में कह दिया गया। अब अगले श्लोक में देखें क्या कहते हैं, नवे श्लोक में फिर कहते हैं, यस्मात् परमं नापरमस्ति किंचित् यस्माननीयो न ज्यायो अस्ति कश्चित् वृक्ष इव स्तब्धो दिवि तिष्ठत्येक
स्थिनेदम पूर्ण पुरुषेन सर्वम, इस्मात परम, जिससे श्रेष्ठ दूसरा कुछ भी नहीं है, वह महान पुरुष जिससे श्रेष्ठ दूसरा कुछ भी नहीं है, जिससे कोई भी ना तो अधिक सूक्ष्म है और ना ही उससे कोई बड़ा है, वह सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और विशाल से भी विशाल है, अकेला ही वृक्ष की भांति निश्चल भाव से प्रकाशमय आकाश में वह स्थित है, अव्यक्त रूप से वह हर जगह स्थित है। उस परम पुरुष पुरुषोत्तम से यह संपूर्ण जगत परिपूर्ण है। उसी अब उसी महान पुरुष की बात करते हैं, बताया जा रहा है कि वह सूक्ष्म से सूक्ष्म, विशाल से विशाल, महान से महान, संपूर्ण ब्रह्मांड में अव्यक्त रूप में विराजमान है। वो अव्यक्त रूप में वह विराजमान है और वही सर्वव्यापी तत्व है। वह परम पुरुष ही सर्वव्यापी है। इस प्रकार से वह समस्त जगत में व्याप्त है। उस परम पुरुष की निराकार सत्ता व्याप्त है हर जगह। ठीक है, तो अब फिर कहा जा रहा है, ततो यदुत्तरतरम तदरूप मनायम मयम यह दूर मृतास्ते भवन्ते तेथरे दुख मेवापियन्ति। उस पहले बताए हुए हिरण्य गर्भ से जो अत्यंत उत्कृष्ट है, अर्थात ब्रह्मा के लोक से, हिरण्य गर्भ से जो उत्कृष्ट है, देखिए यह चर्चा श्रीमद् भगवद गीता में भी स्पष्ट रूप से आती है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि तीन प्रकार के लोक हैं, एक है जागृत लोक और एक है ब्रह्म लोक, ब्रह्मा का लोक, हिरण्य गर्भ लोक, वह भी अव्यक्त है। एक है व्यक्त लोक, एक है अव्यक्त लोक और एक है परम अव्यक्त, अव्यक्त से भी जो अव्यक्त है। यह अव्यक्त जो अव्यक्त है उसी को परम धाम कहा जा रहा है श्रीमद् भगवद गीता। यहां पर तो उसे उस ब्रह्म का लोक कहा, इस पुरुष का लोक बताया गया। ठीक, तो उसे उस पुरुष का लोक बताया गया। तो उस परम पुरुष का वेदाहमेतम पुरुषम महांतम, वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णंतम सपरस्तात, कि वह आदित्य के वर्ण के समान तमस्से परे है। ठीक, तो इसीलिए यह चित्रण यहां पर किया गया है ब्रह्म का, उस पुरुष का नाम, उसे परम पुरुष कहते हुए, वेदों में वर्णित महान पुरुष कहते हुए उसका वर्णन इस प्रकार से किया जा रहा है यहां पर उपनिषद, श्वेतास्त्र उपनिषद में। और फिर यह भी कहा जा रहा है कि वह सर्वव्यापी सत्ता है, वह हिरण्य गर्भ के लोक से बहुत श्रेष्ठ है, वह सूक्ष्म लोक जिसमें जीव रहते हैं, जो ब्रह्मा का लोक है, उससे भी परे है। उसी के लिए कहा गया, तदो यदुत्तरतरम तरूप तदरूप मनामयम, उस पहले बताए हुए हिरण्य गर्भ से जो अत्यंत उत्कृष्ट है, वह परब्रह्म आकार रहित अरूपम, उसका कोई रूप नहीं, अनामयम, उसका कोई नाम नहीं, सब प्रकार के दोषों से शून्य है, जो इस परब्रह्म को जानते हैं वो अमर हो जाते हैं, वो अमर हो जाते हैं, अमृता अमृता विदु एतत विदु ते अमृता भवन्ति, साफ लिखा जा रहा है। ठीक है, यह एतत द्वि दुर अमृतास्ते भवन्ते तेथरे दुख मेवापियन्ति, वह अमर हो जाते हैं, अमृता भवन्ति इतरे दुखम एव अपियन्ति, इस रहस्य को ना जानने वाले, जो इस रहस्य को नहीं जानते, तो उस ब्रह्म को जानकर दुखों से मुक्ति मिल जाती है, अमरत्व की प्राप्ति हो जाती है। जो इस रहस्य को नहीं जानते वो सभी दुख के भागी बनते हैं, दुखम एव अपियन्ति, दुखों को ही प्राप्त होते हैं। दसवें श्लोक में कह दिया गया कि वो सबके सब दुखों को ही प्राप्त होते हैं। ठीक, तो दुखों को प्राप्त होने वाले यह जो लोग हैं, दुखों को प्राप्त होने वाले लोग, जो दुखों को प्राप्त होते हैं, कौन? जो उस ब्रह्म को नहीं जानते हैं और जो उस वेदों में वर्णित महापुरुष ब्रह्म को जानते हैं, जो हिरण्य गर्भ लोक से भी परे है, इस व्यक्त लोक, इस इंद्रिय लोक, इस जागृत अवस्था से तो परे है, वह उस हिरण्य गर्भ अवस्था, उस हिरण्य गर्भ लोक, ब्रह्मा का जो लोक है, उससे भी परे है।
उसको जो जान लेता है वह जीवन मरण के चक्कर से मुक्त हो जाता है, जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाता है, उसको जो जान लेता है। ठीक है, तो उसको जानने वाले वो श्रेष्ठ योगी, ध्यान योगी, क्योंकि श्वेतास्त्र उपनिषद में उसको जानने की विधि बताई गई है। उसको जानने की विधि क्या है? ध्यान योग ही उसको जानने की विधि है। ध्यान योग के माध्यम से ही ऋषियों ने उस मूल कारण ब्रह्म को जाना है। यह प्रथम श्लोकों में ही, प्रारंभ में ही, शुरुआत में ही जो विषय है उसमें ही यह बातें कह दी गई है। तो प्रथम श्लोकों में ही इसकी चर्चा कर दी गई है। ठीक, तो ये पांच श्लोकों के अंतर्गत। तो पांच श्लोकों के अंतर्गत यह बात बताई जा रही है, इस रहस्य को खोला जा रहा है कि मृत्यु पर कौन विजय प्राप्त करते हैं, मृत्युंजय कौन कहलाते हैं। तो मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाले जो महान योगी हैं वो उस परब्रह्म को जानते हैं, वेदों में वर्णित उस महापुरुष को जान लेते हैं, और जानकर वो मृत्यु पर विजय प्राप्त करते हैं, दूसरा कोई तरीका नहीं। और जो नहीं जानने का प्रयास करते, ध्यान योगी नहीं बनते, वह निश्चय ही फिर से भटकते हैं और दुखी होते रहते हैं। ठीक, तो चलिए, यह विषय पांच श्लोकों में स्पष्ट किया गया है जिसे हमने आपको बताया। और अब जो है आपके टिप्पणियों पर भी हम चर्चा कर ले, टिप्पणियां आपकी क्या कहती हैं देख लें उसे। तो थोड़ा थोड़ा बीच में व्यवधान आ रहा है नेटवर्क संबंधित, कोई बात नहीं, आप जुड़े रहें, बने रहें, चीजें अपनी जगह पर आ जाएंगी, चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। तो आपकी टिप्पणियां, सबसे पहला पहला जो कमेंट है, नरोत्तम मिश्रा जी, बहुत अभिनंदन है आपका, बहुत स्वागत है नरोत्तम मिश्रा जी। हाय, आई एम फॉलोइंग यू फॉर 3 ईयर्स। आज आपका यह टाइटल सही नहीं है, ये संभव नहीं हो सकता, ये मेरे अपने विचार हैं। ठीक है, आपने सुने बिना ही टाइटल को वो बताया है, गलत बताया है। जबकि आप एक और चीज पढ़ लिया करें, क्या पढ़ लिया करें कि आप ऊपर में जो श्वेतास्त्रो उपनिषद लिखा हुआ है उसको भी पढ़ लिया करें कि भाई ये उपनिषद की चर्चा है, या कोई निजी विचार नहीं है। ठीक, यह किसकी चर्चा है? यह उपनिषद की चर्चा है। इसे निजी विचार ना समझे, उपनिषद में ऐसे शब्द का इस्तेमाल हुआ है, तभी टाइटल में भी वैसे शब्दों का, हम जैसे हमने लिखा कि ब्रह्म रुद्र है, अघोरी है, आपत्ति तो सामान्य रूप से इस पर भी की जा सकती है कि अरे ब्रह्म को अघोरी कहा जा रहा है, रुद्र कहा जा रहा है। तो उपनिषद में, श्वेतास्त्र उपनिषद की चर्चा में जिन शब्दों का प्रयोग हुआ है उन शब्दों से ही टाइटल लिया गया है। उपनिषद के इन श्लोकों में साफ साफ मृत्यु पर विजय प्राप्त करने की बात लिखी गई है, और मृत्यु को जीतने, मृत्यु से का उल्लंघन करने, मृत्यु का उल्लंघन करने की बात साफ साफ लिखी गई है। इसीलिए श्लोकों पर जिन शब्दों का इस्तेमाल हुआ है उन्हीं में से निकालकर टाइटल भी प्रयोग किया गया है। ठीक है, जगत नारायण जी अभिनंदन है, विक्रम सिंह जी, गोपाल शर्मा जी प्रणाम, सदगुरु जी, नवीन बिस्ता जी, विश्व यात्री जी, संजय कंबाट जी, धर्मेंद्र शर्मा जी, जमाल खान जी, आर्य समाज का जो सिद्धांत है वह कहाँ तक सही है। आर्य समाज का बहुत सारी चीजें मैंने अध्ययन की हैं, पढ़ी हैं, अब मूल कौन से सिद्धांत की आप बात कर रहे हैं ये मैं नहीं कह सकता। और आर्य समाज में मैं कई लोगों को जानता हूं, आर्य समाज के सदस्यों को,
तो अलग अलग विचारधारा रखने वाले लोग हैं, किसी एक सिद्धांत को लेकर सब एक जैसे सोच रखते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए इस पर मैं टिप्पणी नहीं कर सकता कि आर्य समाज का जो सिद्धांत है वह कहां तक सही है, कौन से सिद्धांत की बात कर रहे हैं, आर्य समाज की किस सिद्धांत की बात कर रहे हैं। अगर आपने ये लिखा होता तो फिर उस पर चर्चा मैं कर देता, लेकिन उसमें भी आर्य समाजियों में भी अलग अलग विचारधारा के लोग मैंने देखे हैं, जो अपनी निजी स्वतंत्र विचारधारा भी रखते हैं, महर्षि दयानंद सरस्वती के बारे में भी और आर्य समाज के बारे में भी, उनका निजी भी नहीं है, वो कहीं ना कहीं से कुछ बातों को रखने का उनका अलग अलग तरीका है। ठीक, तो ये चीज है, मैं इसी को कहना चाहूंगा। हाँ, रही बात कि भाई कहां तक कितना सही है, तो बहुत हद तक कई बातें मुझे सही ही लगती हैं। हाँ, कुछ चीजों से हो सकता है कि आपत्ति हो। सरोज कृष्णानी जी, एसके मिन्हास जी, गुरु जी नमस्कार, लाइव चर्चा मोर बेनिफिशियल विथ रिगार्ड्स, बहुत अच्छी बात है, जरूर लाभ उठाइए। जय श्री कृष्ण गुरु जी। ओम तत्सत जी, अनिल कुमार राय जी, आत्म तत्व में स्वयं को स्थित कर देने पर, अर्थात स्वयं में आत्म की प्रतीति या अनुभूति हो जाने पर यह सिद्ध हो जाता है। क्या सिद्ध हो जाता है? चितरंजन बरुआ, क्या मृत्यु पर विजय सिद्ध हो जाती है? तो जी हाँ, चितरंजन बरुआ, प्रणाम गुरु जी, आपका अभिनंदन। भीम सिंह मीना जी, उदय शंकर जी, उदय शंकर जी, आत्मभाव क्या है? आत्मभाव, आत्मा का भाव, आत्मभाव, आत्मभाव है साक्षी भाव, साक्षी भाव आत्मभाव है। जब आप साक्षी भाव से संसार में रहते हो, एक है कि आप लॉजिकली साक्षी भाव को ले आते हो, जिसको भगवान कृष्ण ने गीता में बताया है कि तुम भावना ऐसी रखो, लेकिन साथ में भगवान कृष्ण ने यह भी बता दिया है कि जो ध्यान योगी हैं वो ध्यान योग के द्वारा ऐसी अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं जिसको तुरीय अवस्था कहा गया है। उपनिषदों में, मांडुक्य उपनिषद में उसे तुरीय अवस्था कहा गया है। तो तुरीय अवस्था को प्राप्त करने वाले योगी जो हैं, वो उनको कोई भाव रखने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप उस साक्षी अवस्था में चले जाते हैं। निष्कामता उनके अंदर स्वाभाविक रूप से आ जाती है, स्वाभाविक गुण बन जाता है निष्काम कर्म करना। ठीक है, नहीं तो वैसे आत्मभाव कहने का तात्पर्य साक्षी भाव ही होगा। ठीक, अजित भाई पटेल जी, राजू पाल जी, अभिनंदन है। स्मृति रस्तोगी जी, रतन सिंह जी, सर जी ओम तत्सत, काइंडली एक्सप्लेन सिक्स भगाज और भगवान, हो चुका है ये छह भगों की चर्चा, पहले भी कई बार, एक बार नहीं कई बार इसको रिपीट कर बताया जा चुका है, खासकर गीता का व्याख्यान सुने तो उसमें आपको मिल जाए। ठीक, योगेंद्र पंडित जी, रोमेश चोपड़ा जी, पिंटू वासवा जी, हरि ओम तत्सत, माधुरी कोल्हे जी ओम तत्सत, अंजू श्रीवास्तव जी अभिनंदन है, ललित गर्ग जी, काल और मौत दोनों को जीत कर ही मोक्ष स्वरूप की उपलब्धि संभव है। जी बिल्कुल, इसमें कोई संशय नहीं है, काल मौत नहीं, काल और मा ठीक है। तो बुद्धि, बुद्धि ने जो ग्रहण किया, विद्या को ग्रहण किया, बुद्धि ने क्या ग्रहण किया, विद्या को ग्रहण किया, विद्या को ग्रहण करने का परिणाम क्या है, ज्ञान है। समझ गए? और मेधा क्या है, मेधा वह शक्ति है, मेधा बुद्धि की वो क्षमता है ज्ञान ग्रहण करने की, विद्या को प्रोसेस करने की एक क्षमता मात्र है मेधा। ठीक है, तो खैर इनका अपना योग सूत्र में यह सब विषय चर्चा में आ चुके हैं, पतंजलि योग सूत्र पर जब हमने चर्चा की थी तो इन सभी विषयों की चर्चा भी वहां पर हो गई थी, पतंजलि योग सूत्र के अंतर्गत। तो बुद्धि विद्या ज्ञान मेधा, मुझे लगता है आपको स्पष्ट हो गया होगा। बुद्धि विद्या को ग्रहण करती है, विद्या दो प्रकार की हो सकती है, पराविद्या अपराविद्या। ठीक है, पराविद्या जो इंद्रियों के परे, जो अलौकिक है, अपरा विद्या मतलब जो इंद्रियों के माध्यम से सांसारिक विद्या है उसकी बात की गई है।
तो बुद्धि विद्या को ग्रहण करती है। ज्ञान उस प्रोसेस में, विद्या को ग्रहण करने से जो अनुभव प्राप्त हुआ तो ज्ञान विद्या का परिणाम है। ज्ञान बुद्धि और विद्या दोनों का ही परिणाम है। मेधा क्या है? विद्या को ग्रहण करने की क्षमता है। विद्या को ग्रहण करने की क्षमता ही मेधा है। ठीक, चलिए। ज्योति दत्ता जी, गोपाल शर्मा जी, भरत छबलानी जी, अनिल कुमार राय जी, बफरिंग आ रहा है सर जी। जी हाँ, आज थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ, चिंता मत कीजिए, अब थोड़ा देर जो चलेगा उसमें डिस्टर्बेंस नहीं होगा। ठीक, वाईएन प्रधान जी, आप बहुत अच्छा समझाते हैं जी। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। वसुदेव राठौर जी, प्रकृति को किसने बनाया? प्रकृति पुरुष ब्रह्म में कौन श्रेष्ठ है? प्रकृति को किसने बनाया? प्रकृति को किसी ने बनाया क्या? यह तो स्वयंभू है, प्रकृति स्वयंभू है, इसे किसी ने बनाया उनाया नहीं है। क्योंकि जिस चीज को बनाई जाती है वो बिगड़ जाती है, जिसकी सृष्टि होती है उसका प्रलय होता है, जिसकी सृष्टि होती है उसका प्रलय होता है, जिसको बनाया जाता है वो एक दिन बिगड़ भी जाता है। ठीक, ये कहानी है। तो इसीलिए प्रकृति स्वयंभू है, शाश्वत है, क्योंकि ब्रह्म शाश्वत है। प्रकृति एक रूप मात्र है, प्रकृति ब्रह्म का विवर्त है। समझे? मैनिफेस्टेशन ऑफ ब्रह्म है, वो ब्रह्म से अलग नहीं है प्रकृति। तो प्रकृति को किसने बनाया? प्रकृति पुरुष ब्रह्म में कौन श्रेष्ठ है? इनमें से सब ही श्रेष्ठ हैं। ठीक है, जब तक आप इस इंद्रियों के जगत में हैं, जब तक आप इस त्रिगुणी माया में हैं, तब तक वह प्रकृति तो श्रेष्ठ है ही, क्योंकि आप उसी को जी रहे हैं, प्रकृति को ही आप जी रहे हैं। जो भी आपके जीवन में सुख दुख आ रहे हैं प्रकृति के कारण है, इसलिए प्रकृति को तो समझना पड़ेगा। ब्रह्म तक पहुंचने के लिए प्रकृति को ही समझना पड़ेगा। तो प्रकृति तो श्रेष्ठ है ही फिलहाल। ठीक, तो इसमें श्रेष्ठता नहीं देखी जा सकती कि प्रकृति पुरुष सब एक ही तत्व है, एक ही तत्व की अलग अलग अभिव्यक्तियां हैं। अमृतपाल सिंह जी, अगर परमात्मा अकर्ता है तो फिर यह कहना पड़ेगा कि परमात्मा ने सृष्टि की रचना नहीं की, लेकिन यह फिर क्यों कहा जाता है कि परमात्मा सृष्टि का रचनहारा, पालनहारा, संभालने वाला सकाश रूप में, अव्यक्त रूप में है, व्यक्त रूप में नहीं है, कर्ता नहीं है वो। क्योंकि कर्ता होने के लिए भाव होना पड़ेगा और भावातीत है, तो जब भावातीत है, त्रिगुणातीत है, तो कर्ता होने का प्रश्न नहीं उठता, वह अकर्ता है फिर। ठीक है, तो जो कुछ भी हो रहा है प्रकृति के द्वारा हो रहा है, लेकिन प्रकृति के पास जो क्षमता विकसित हो रही है वह ब्रह्म के कारण हो रही है, परमेश्वर के कारण हो रही है, परमात्मा के कारण हो रही है। ठीक है, इसीलिए अकर्ता, जैसे कि ये कई बार चर्चा हो चुकी है, संक्षेप में चर्चा कर देते हैं। हवा, अगर मान लीजिए आप पंखे के नीचे बैठे हो, एसी में बैठे हो, कूलर में बैठे हो, तो हवा कौन दे रहा है? कूलर का पंखा दे रहा है या बिजली दे रही है? अरे बिजली तो बल्ब में भी है, तो बल्ब से तो हवा निकल नहीं रही है। बिजली तो फ्रिज में भी है, वो तो हवा नहीं दे रहा। बिजली तो टीवी में भी है, वो तो हवा नहीं दे रहा। पंखा ही हवा दे रहा है, कूलर ही हवा दे रहा है, एसी ही हवा दे रहा है। तो क्या बिजली का काम हवा देना है? जी नहीं, बिजली अकर्ता है, बिजली अकर्ता है यहां पर। लेकिन बिना बिजली के कुछ होने वाला भी नहीं है, तो वह स्वयं अकर्ता होकर प्रकृति को कर्ता बनाता है। ठीक ना, स्वयं अकर्ता रहकर वह प्रकृति को कर्ता बनाता है, वह जीवों को कर्ता बना देता है। ये इस रहस्य को समझिए। तो इसीलिए वह कुछ ना करते हुए भी सब कुछ करने वाला हो गया, अकर्ता हुए होते भी पूर्ण करता हो गया। बस इसी विषय को समझना है। ईश्वर का स्वरूप कैसे अनुभव करें? ध्यान योग, ध्यान योग से संभव है। बालकृष्ण विश्वकर्मा जी, मृत्यु पर विजय का मतलब क्या मोक्ष या शरीर सहित हमेशा जीवित रहना है? जी नहीं, आप सुन लीजिए पूरा, अंत में आपने कमेंट किया है, रिपीट करके वीडियो को सुन लीजिए।
मृत्यु के विजय का मतलब है अमरत्व की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति, जीवत्व का लय होना। जब तक जीवत्व है तब तक आना जाना है, मरना और जन्म लेना है। तो अब पूरा फिर से रिपीट करना पड़ेगा जितना भी तक बोला मैंने। वेदामेतम पुरुखम महांतम आदित्य वर्णंतम स परस्तात तमेव मृत्युमेति, मृत्युमेति साफ लिखा गया है। ठीक है, तो इस व्याख्यान को पूरा सुनिए फिर से। सुकनाराम गहलोत जी, अर्जुन पाटिल जी, दिनेश ठाकुर जी, मोक्ष किसको मिलता है? सूक्ष्म शरीर या कारण शरीर या आत्मा को? जीव को मिलता है मोक्ष, जीव को, जो इन सब अवस्थाओं में रहने वाला है, सूक्ष्म में रहने वाला है, कारण में रहने वाला है, स्थूल में रहने वाला है। इन तीनों अवस्थाओं में कौन रहता है? जीव, उसी को मिलता है मोक्ष। भावना संवर। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय बजरंग बली, जय श्री राम, राधे राधे, जय माँ अम्बे गौरी, जय माँ सरस्वती, जय हो अपने अपने माता पिताजी के, जय राम। 0280 कृपया गौ सेवा के महत्व के बारे में बताए बताए हुए हैं कभी कभी। गुरु जी प्रणाम। हिरण्य गर्भ लोक भी सर्व व्यापारी है, नाद नूर को भी हिरण्य गर्भ लोक के अंतर्गत कह सकते हैं। हिरण्य गर्भ लोक सर्वव्यापी है, बिल्कुल अव्यक्त लोक है वो, ठीक है, लेकिन जीव बोध है उसमें, जीवत्व उसी में है, टिकता है। ठीक, नादनूर, नादनूर क्या है भाई? हाँ, हिरण्य गर्भ ही है, नादनूर भी हिरण्य गर्भ ही कहलाएगा। प्रकाश का दिखाई देना, नाद का सुनाई देना, हिरण्य गर्भ ही कहलाएगा। आशीष तलुकदार जी क्या कहते हैं? गुरुजी क्या परम चेतना या ब्रह्म का भी पंचकोश है, जैसे कि यूनिवर्सल माइंड इंटेलिजेंस? जी नहीं, उनका नहीं है ब्रह्म। अरे भाई, त्रिगुणातीत जब कह दिया गया तो उनका पंचकोश कैसे हो सकता है? हाँ, सृष्टि रूप में सब कुछ ब्रह्म से ही बना है, सब कुछ तो ब्रह्म से ही बना है भाई। ठीक है, तो वह मूल तत्व है, सारे तत्व उसी से निकले हैं, पंचकोश भी उसी से बने हैं। तो उसका पंचकोश हम नहीं देख सकते, हम जीव का देख सकते। ठीक, पागी नवरात, जय गुरु। आशीष तलुकदार, गुरु जी चित्त का अर्थ क्या है? कहते हैं अंतःकरण में बुद्ध चित्त अहंकार से बनी है, मन बुद्धि चित्त अहंकार अंतःकरण चतुष्टय से अंतःकरण बना है। तो फिर सच्चिदानंद में चित्त को कॉन्शियसनेस क्यों कहा गया है? हाँ जी, चित्त को कॉन्शियसनेस कहा गया है, लेकिन वह बुद्धि युक्त है, अहंकार युक्त है। ठीक, चित्त वो स्थान है जहां पर सारी शक्तियां जुड़ती हैं, वैचारिक शक्ति, मनोबल, मन की शक्ति, अहंकार की शक्ति, बुद्धि की शक्ति, इन सब का समावेश चित्त में होता है। कुसुम व्यास जी, आलोक यादव जी, संजीवनी विद्या क्या है? संजीवनी विद्या कपाल भाति को भी संजीवनी विद्या कहा गया है योग में, कपाल भाति क्रिया को भी संजीवनी विद्या के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो संजीवनी विद्या उसे भी कहा गया है। आप जरूर संजीवनी विद्या का सहारा ले, कपाल भाति योग, प्राणायाम वगैरह, ध्यान योग आदि क्रियाओं को अवश्य अवश्य नियम से किया करें, आपको अत्यंत लाभ प्राप्त होगा, जीवन रक्षा होगी। ठीक है, विश्वनाथ सिंह जी, जय श्री सदगुरु जी, सच्चरण प्रणाम। कन्हाई कुमार जी, आशीष तलुकदार जी, परमात्मा आत्मा के रूप में कैसे स्थित हुआ? वो तो पहले से स्थित है, वो तो दो शब्द है सर, मित्र और परम मित्र, जैसे आप कह देते हो वैसे ही आत्मा परमात्मा, सर्वव्यापी रूप में उसे परमात्मा कहते हैं। जब आप अपने भीतर की बात करते हो तो उसे आत्मा कहते हैं, सर्वव्यापी रूप में उसे परमात्मा कह देते हो। चीज एक ही है, जो आपके भीतर है वही वही चारों तरफ है, वही सर्वव्यापी है। ठीक, चलिए। तो गोपाल दास जी, जयराम जी, गुरु जी बैतरणी नदी के बारे में बताइए, आपकी उम्र कितनी है, जानकर क्या करेंगे उम्र से? आशीष तलुकदार जी, वैकुंठ धाम और शिवलोक धाम क्यों काल के प्रभाव में नहीं आते? का किसने कहा कि नहीं आते? हाँ,
काल की गति छोटी हो सकती है, अवधि बड़ी हो सकती है। जैसे कि ब्रह्म लोक में क्या है कि ब्रह्मा जी जब वृंदावन के जो भगवान कृष्ण के साथ खेलने कूदने वाले जो ग्वाल बाल थे, जब उनको लेकर गए तो एक दिन के लिए लेकर गए, एक दिन बाद वापस ले आए, लेकिन एक साल बीत चुका था पृथ्वी के ऊपर। तो ब्रह्मा का एक दिन और ये पृथ्वी पर एक साल, ठीक है, लेकिन ब्रह्मा का लोक काल के परे नहीं है, वैकुंठ भी काल के परे नहीं है, शिवलोक भी काल के परे नहीं है। हाँ, काल की गति बहुत सूक्ष्म है, काल की गति बहुत धीमी है, बस इतना ही फर्क है। इतनी धीमी है कि वहां आदमी कई युगों तक एक ही अवस्था में रह सकता है, ठीक, ये चीज। तो इसीलिए, लेकिन काल के परे है, काल के परे कुछ नहीं होता। इस जीव लोक में, हिरण्य गर्भ लोक में, सूक्ष्म लोक में भी काल के परे नहीं होता, परिवर्तन आते हैं। परिवर्तन अगर नहीं आता है तो मात्र उस ब्रह्म में नहीं आता, बाकी हर अवस्था में परिवर्तन आता है। हाँ, वो परिवर्तन हमारे लिए, जैसे सूर्य है, क्या सूर्य काल के परे है? जी नहीं, लेकिन सूर्य की गति अलग है, पृथ्वी पर रहने वाले जीवों की गति अलग है, काल की गति सूर्य लोक में अलग है। सूर्य को तो हम देख सकते हैं ना, उसी समझ लो, सूर्य का एक जीवन में ना जाने हमारे कितने युग बीत जाएंगे, वर्ष नहीं कितने युग बीत जाएंगे सूर्य का एक जीवन पूरा होने में। तो वैसे ही हिरण्यगर्भ लोक में जो अनेक लोक है, हिरण्यगर्भ के अंतर्गत बहुत सारे लोक है, भावनात्मक लोक, तो उन लोकों की जो गति है, उसमें जो काल की गति है, वह बहुत धीमी होती है, बहुत सूक्ष्म होती है। लेकिन काल नहीं काम कर रहा, वहां परिवर्तन नहीं हो रहा, ऐसी कोई बात नहीं, वहां भी निरंतर परिवर्तन कार्य चल ही रहा है, ठीक, यह समझना। तो यही है, वैतरणी नदी के बारे में एक चर्चा आ चुकी है पहले भी, वैतरणी नदी के बारे में, इस संसार रूपी नदी, जीव रूपी नदी, ठीक है। अगर ध्यान योग साइंस है तो इसमें भाव और श्रद्धा का क्या प्रभाव पड़ता है? भाव और श्रद्धा का संकल्प, संकल्प के विकास के लिए, संकल्पों के विकास के लिए भाव और श्रद्धा का महत्व है, इससे संकल्पों का विकास होता है, ठीक। नरेंद्र कुमार जी, स्वामी जी, हरिओम, हरिओम जी, आलोक यादव, गुरु जी, श्री विद्या और गायत्री एक है क्या? श्री विद्या का भी उसका एक पार्ट मान सकते हैं, लेकिन श्री विद्या साधना अलग ही है, ठीक है। देवी की साधना, आनंदमय कोश के बारे में बता चुके हैं आप। तैतरीय उपनिषद पर हमारा प्लेलिस्ट है, आप उस प्लेलिस्ट को देख लीजिए, सुन लीजिए, प्लेलिस्ट में जाइए, तैतरीय उपनिषद, उसमें आनंदमय कोश, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश सबके बारे में बताया हुआ है। आनंदमय कोश के बारे में तो बहुत विशेष रूप से बताया हुआ है, कई वीडियोज हैं जो सिर्फ आनंदमय कोश के ऊपर है, आनंदमय कोश मतलब आत्मा के ऊपर है, ठीक है। आप उसमें जाइए, तैतरीय उपनिषद की चर्चा समाप्त हो चुकी है, प्लेलिस्ट बन चुका है, आप उस प्लेलिस्ट में जाइए, आपको पंच कोशों की चर्चा कई वीडियोज में, एक वीडियो में नहीं, कई वीडियोज में हो रखी है, और अलग से भी एक वीडियो है जिसमें पंच कोशों की चर्चा हो रखी है। महाप्रलय के समय जिस लोगों को मोक्ष नहीं मिला, उस जीवात्मा का क्या होगा? महाप्रलय के समय किनको मोक्ष मिलता है? महाप्रलय कब आता है ये बताइए मुझे। जीव लोक अलग है और महाप्रलय किस लोक में आता है ये बताइए। और यह प्रसंग आप कहां से लेकर आ रहे हैं? कम से कम उपनिषद ऐसी विचारधारा को नहीं मानते हैं, सीधी सी बात, ठीक है, ऐसी विचारधारा का समर्थन नहीं करते कि एक समय महाप्रलय होगा, कयामत के दिन आ जाएंगे, ठीक। प्रत्येक क्षण सृष्टि हो रही है
और प्रत्येक क्षण ही प्रलय हो रहा है। एवरी सेकेंड क्रिएशन काम कर रही है। जो सृष्टि करने वाली शक्ति है प्रत्येक क्षण कार्यरत है और प्रत्येक क्षण प्रलयकारी जो शक्ति है वो भी काम कर रही है। तो किस महाप्रलय की प्रतीक्षा करते हो? उस जीव जगत में हिरण्य गर्भ लोक में ऐसा कुछ भी नहीं होता कि महाप्रलय आ जाए। ठीक है, महाप्रलय मान लो कई जगह पर बाढ़ आ जाते हैं, चीन में पीछे बहुत भयावह बाढ़ आ गया तो महाप्रलय आ गया होगा। ठीक है, तो ये महाप्रलय का जो कॉन्सेप्ट है ये कथा कहानियों में ही मुख्य रूप से है, दर्शन शास्त्रों में नहीं है, वैदिक शास्त्रों में नहीं है महाप्रलय का कॉन्सेप्ट। ठीक है, मीमांसा ने तो पुरजोर विरोध किया है। मीमांसा शास्त्र तो साफ कहता है जैसे समुद्र की लहरें उठती हैं गिरती हैं फिर उठती हैं फिर गिरती हैं फिर उठती हैं फिर गिरती हैं, इसी प्रकार से निरंतर सृष्टि चलती रहती है और प्रलय भी चलता रहता है, दोनों पैरेलल में चलते रहते हैं। तो किसी महाप्रलय की प्रतीक्षा मत कीजिए। ठीक है, जीव जगत बहुत विशाल है, अनंत है। ये जो इंद्रियों से दिखाई दे रहा है सृष्टि बस इतनी ही नहीं है कि आप महाप्रलय की बात कर रहे हैं। मान लीजिए कि इसका प्रलय होगा, पृथ्वी पर प्रलय होगा, सारे मनुष्य खत्म हो जाएंगे, तो क्या प्रलय हो गया? इसी को आप महाप्रलय कह देंगे? जी नहीं, ये आपके लिए महाप्रलय हो सकता है, प्रकृति के लिए यह कोई महाप्रलय नहीं है। इसलिए प्रकृति को अनादि कहा गया। अनादि मतलब जिसका आदि नहीं तो उसका अंत भी नहीं। ठीक है, तो जब प्रकृति अनादि है तो सृष्टि और प्रलय प्रकृति के दो कार्य हैं, ये हमेशा ही होते रहेंगे क्योंकि प्रकृति तो स्वयं अनादि है। तो महाप्रलय आएगा कब फिर? ठीक है, हां, इस पृथ्वी पर ऐसा हो सकता है कि बहुत भारी संख्या में त्रासदी आ जाए, बहुत व्यापक रूप से त्रासदी आ जाए और बहुत सारे मनुष्य अपना जीवन खो दे, मनुष्यों की संख्या बहुत न्यून रह जाए, ये हो सकता है। तो वह भी जो महाप्रलय हुआ वह बाहरी हुआ, वह बाहरी हुआ, वह ब्रह्म जो है सृष्टि होता हुआ प्रलय होता हुआ फिर से प्रकट होता हुआ चलता रहता है, उसका यह कार्य कभी रुकता नहीं, सृष्टि और प्रलय का कार्य कभी नहीं रुकता। तो प्रत्येक क्षण ही सृष्टि हो रही है और प्रत्येक क्षण ही प्रलय हो रहा है। पुरुष किसे कहते हैं? अश्विन कुमार महापात्रा जी, आत्मा ही पुरुष है। पतंजलि योग सूत्र के अनुसार आत्मा को ही पुरुष कहा गया है। गुरु जी परम राम राम जी ओम तत्सत। अनिल कुमार जी, प्रभात टोपो जी, ब्रह्म ज्ञान के बाद की अवस्था क्या है? ब्रह्म ज्ञान के बाद की अवस्था है समाधि, ब्रह्म ज्ञान की बाद की अवस्था है कैवल्य। ठीक है, कैवल्य मतलब चित्त का लय हो जाना ही कैवल्य। आशीष तालुकदार, परमात्मा यूनिवर्स को कैसे चलाते हैं अगर मन प्राण बुद्धि नहीं है तो? कब कहा गया कि मन प्राण बुद्धि नहीं है? आप ही कह जा रहे हैं, खुद ही कहे जा रहे हैं, खुद ही प्रश्न किए जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए मन प्राण बुद्धि जीव के पास है, प्रकृति के पास है, परमात्मा को इसकी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, परमात्मा अकर्ता है, इसीलिए परमात्मा को अकर्ता कहा गया है, कर्ता नहीं अकर्ता। गीता का नवा अध्याय, श्रीमद् भगवद गीता का नवा अध्याय क्या कहता है? नवे अध्याय में श्री कृष्ण भगवान क्या कहते हैं, आइए देख लेते हैं, गीता खोल कर देख लेते हैं। ठीक है, श्रीमद् भगवद गीता नवम 9th चैप्टर, मया अध्यक्षेन प्रकृति सूयते स चराचरम महेतुनानेन कौन्तेय जगद्वी परिवर्तते। अर्थात हे अर्जुन, मुझ अधिष्ठाता के सकाश से प्रकृति चराचर सहित सर्व जगत को रचने वाली है। तो मन बुद्धि अहंकार सब प्रकृति के अंग है। किसके अंग है जी? प्रकृति के अंग, ईश्वर के नहीं।
ईश्वर कोई सीईओ बनकर नहीं बैठा हुआ कि वो सबको चलाता है, अपने ब्रेन से चलाता है, ठीक है। ऐसी भावना उस आत्मा के प्रति, उस ब्रह्म के प्रति ना रखी। चलिए फिर, यह प्रकृति का काम है। हाँ, प्रकृति जरूर सीईओ है, सीईओ बनाकर बिठाया हुआ है, ठीक है। प्रकृति को वो सारा काम करती है, सारा खेल खेलती है, वही कर्म करवाती है, वही कर्म फल संयोग करती है, कर्मों का फल देती है। यह विषय है। तो इसी के साथ विचारों को विराम देंगे। बहुत बहुत आभार आप सभी का। जो प्रश्न बहुत ज्यादा समय लेने वाले होते हैं और पीछे बताए जा चुके हैं, उन प्रश्नों का उत्तर अगर मान लो पीछे बताए भी जा चुके हैं और बहुत समय नहीं लेगा तो फिर उसको हम उत्तर दे देते हैं। लेकिन जो बहुत समय लेने वाले हैं, जैसे कि छह भागों की चर्चा, पंचकोशों की चर्चा, ठीक है, अब छह भागों को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, पंचकोशों को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तो इसीलिए तैतरीय उपनिषद में मेरे ख्याल से आप कई लोग जो कि तैतरीय उपनिषद आप लोगों में से अभी भी जो उपस्थित हैं उन लोगों ने सुना है, तैतरीय उपनिषद में पंचकोशों की चर्चा भरी पड़ी और उसमें बहुत बढ़िया से पंचकोशों की चर्चा हुई है, ठीक है। तैतरीय उपनिषद के अंदर मेरे ख्याल से उतनी अच्छी चर्चा पंचकोशों की, यह बात जो है पंचकोशों के अंदर जो इतनी अच्छी चर्चा जो तैतरीय उपनिषद में मिलती है वो और कहीं नहीं मिलती। तो इसीलिए तैतरीय उपनिषद के प्लेलिस्ट पर जाइए और शुरू से अंत तक सुनिए उसे, पंचकोशों की बहुत अच्छी से चर्चा वहां पर मिल जाती है और उसका लाभ उठाइए, ठीक है। भागों के ऊपर भी कई बार पीछे चर्चा हो चुकी है, तो उन विषयों को जो पहले चर्चा में आ चुके हैं और आप उसे पूछते हैं और वह लंबा समय लेने वाले होते हैं तो उसको स्पर्श नहीं करते, ठीक है। जो शॉर्ट में जिनका आंसर निकल सकता है उसको बताते चलते हैं। और कोई भी प्रश्न आप विषय पर पूछिए ना अपना, कई बार लोग अपने व्यक्तिगत प्रश्न भी यहां पूछते हैं, तो अगर आपको अपना व्यक्तिगत प्रश्न पूछना है, अपना व्यक्तिगत प्रश्न कि भाई उनके घर में ये समस्या है, उनके जीवन में ये समस्या है, घर में किसी की मृत्यु हो गई है, इस तरह के प्रश्न लोग कई बार यहां पूछते हैं, तो वो प्रश्न ना पूछें, अपने व्यक्तिगत प्रश्न ना पूछें। व्यक्तिगत प्रश्न पूछना है व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, या मेरे बारे में कुछ व्यक्तिगत प्रश्न पूछना है वो भी मैसेज कीजिए, ठीक है। यह लाइव चर्चा व्यक्तिगत चर्चा के लिए लगभग नहीं है, ठीक। तो निश्चय ही आप इसका ध्यान रखेंगे और अब समय का ध्यान रखते हुए इस चर्चा को, लाइव चर्चा को यहां विश्राम देंगे। कल फिर 9 बजे लाइव चर्चा शुरू हो जाएगी, आप जरूर इसका लाभ उठाइए। बहुत बहुत आभार आप सभी का जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए। बीच में थोड़ा व्यवधान आज आया, बफरिंग आ रही थी, लेकिन फिर ठीक चलने लगे, तो कभी कभी ऐसा होता है, कोई बात नहीं, निश्चय ही इस प्रक्रिया में सुधार ला दिया जाएगा कुछ दिनों में। बहुत बहुत आभार आप सभी का, जुड़े रहें, बने रहें। और एक और बात की प्रश्न जो है, प्रश्न करने के लिए प्रश्न ना करें। प्रश्न आपको लगता है कि हाँ आज के विषय से यह संबंध बन रहा है तो अवश्य किया करें, ठीक है। चलिए विराम देते हैं, विश्राम देते हैं। बहुत बहुत आभार आप सभी का, धन्यवाद।